आपकी कॉफी। कॉफी? हाँ थैंक यू। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है। पता है, मैं अपनी खुशी में ना फोन ही चेक करना भूल गई, और फिर जब मैंने चेक किया तो मुझे इतना बुरा लगा, आपकी कोई कॉल कोई मैसेज नहीं था। जब मैंने कॉल की तो आपका नंबर भी बंद था। लेकिन अच्छा ये हुआ कि जाफर ने बता दिया था कि आप मीटिंग में हैं। हाँ कभी कभी ऐसे ही इमरजेंसी मीटिंग्स आ जाती हैं। तो तुम बताओ अपनों से मिलके कैसा फील कर रही हो? है बहुत 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 अच्छा। ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे बाद अपनों से मिली हूँ। सानिया, फिजा, अम्मा सब बहुत खुश थे, बहुत बहुत खुश। और तुम्हारे अब्बा? वो नहीं माने। इंशाल्लाह वो भी मान जाएंगे। एटलीस्ट इतना तो हुआ कि उन्होंने तुम्हें अंदर आने दिया, बाकी लोगों से मिलने दिया। ये सब कुछ आपकी वजह से। मैंने क्या किया? कल की दुआ बेनाम कम हैसियत थी। आज जो मकाम मुझे मिला है वो आपकी वजह से मिला है। आज मुझ पे कोई एक उंगली उठाने से पहले भी ना 100 बार सोचता है। क्योंकि तुम नौशेरवा गजनवी की इज्जत हो। तुम खुश हो मेरे साथ? आपके साथ बहुत 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 खुश। एक वादा तो तुमने मुझसे भी किया था। पुरानी बातें भूल जाओ ना उन्हें। तुम अब तुम भूल सकते हो क्योंकि तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़ कर गए थे। मैं तो वही की वही हूँ, आज भी सिर्फ तुम्हारी हो, तुम्हारी ही होना चाहती हूँ। हाँ लेकिन मेरी मंजिल अब कोई और है। बिल्कुल भी तरस नहीं आता मुझे।